ये सब आ गए हैं क्लास में। अभी भी कुछ बच्चे मुझे कम दिख रहे हैं, आई थिंक 12 स्टूडेंट्स हैं। सीआर नहीं है, हसीब हसीब हैं आप? हसीब नहीं है। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ और डायरेक्ट फ्लैक्स पे ही आपके अटेंडेंस करवा रहा हूँ, ठीक है? बुला लीजिए अगर कोई आपका दोस्त है तो, जल्दी से मैसेज कर दें कि आ जाए। मेरा सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। सर कराची में सुबह से नेटवर्क का मसला है। हाँ सही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, अवैस अली? नहीं सर, सऊद। हाँ क्यों क्यों है सऊद, क्या कोई इशू हो गया? मुझे नहीं पता, कोई मसला है? सर वो बारिश हुई है ना कल हल्की हल्की, तो इसी वजह से। हाँ सर, नेट का इशू हर किधर है सर। मेरे पास जो इशू आ रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी चले इसी हद तक तो गुजारा करना पड़ेगा हमें। अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक है फिलहाल। ये मैंने अटेंडेंस आपके ऑन कर दिए है। आज क्या है, 28 जुलाई। चल रही है चीजें मगर थोड़ी स्लो हैं। मेरे तो ख्याल है ये मुझे फ्लेक्स भी डाउन हुआ हुआ थोड़ा, क्योंकि बाकी चीजें सही चल रही हैं, फ्लेक्स बहुत स्लो चल रहा है। 3G चल रहा है। चलिए अटेंडेंस में लगवा रहा हूँ। जमील अहमद प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, साउद अब्दुल्ला सर प्रेजेंट, यहिया मलिक, अब्दुल मोइस, यहिया प्रेजेंट सर, यहिया अब्दुल मोइस, या नहीं है प्रेजेंट सर, अब्दुल मोइस प्रेजेंट सर, या मालिक, हसीबुर रहमान, मोहम्मद अहसन, हसीबुर रहमान, मोहम्मद अहसन दोनों नहीं है भाई। इनका हसीब तो कल था, ये मोहम्मद अहसन का पता करो, जो भी आपका फ्रेंड है फिर नहीं आ रहा, फिर ये मसला हो जाएगा इसके साथ। फैसल रजा, आसिफ अजीम, फैसल रजा, आसिफ अजीम सर, आसिफ अजीम नहीं है, अवैस अली, अम्मार, अवैस अली प्रेजेंट सर, अम्मार, अम्मार, अम्मार नहीं है, अम्मार नहीं है, हुसैन अकवी प्रेजेंट सर, यमुना खुर्शीद, यमुना प्रेजेंट, अच्छा सकलैन प्रेजेंट सर, सबूर अली, सबूर अली, सबूर अली तो क्लास में कभी नहीं आया, फरहीन रिजा, फरहीन, फरहीन रिजा दोनों नहीं है, यमुना दोनों नहीं आई, गुलाम मुर्तजा
प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर चलिए अटेंडेंस हो गई आपकी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने कैपेसिटी जी कौन नाम बताएं अतर खल क्या नाम है अतर सिंह अतर अतर तुम्हारा नाम अच्छा हाँ ठीक है तुम्हारी अटेंडेंस लगा दिए हाँ सही है जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि लास्ट में हम लोगों ने कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। उसमें कोई सवाल है पूछ लीजिए मुझसे, नहीं तो फिर आज हम उसके आगे सोर्स फ्री सर्किट की तरफ मूव कर जाएंगे। जी एनी क्वेश्चन बताइए जल्दी से। बताइए भाई ये मैंने शेयर किया आपको नजर आ रहा है स्क्रीन नजर आ रही है जी सर आ रही है जी सर आ रही है। ये हम लोगों ने कल किया था, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको कैपेसिटर इंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने सबसे पहले कैपेसिटर देखा था Q equal to C का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हमने देखा था कि C किस किस चीज पर डिपेंड करता है। फिर हमने ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन I और V का रिलेशनशिप, और ये V और I का रिलेशनशिप ये हमने देखा, ये दो आपको याद रखिए। यहाँ तक याद है सबको, क्योंकि अभी आगे इस्तेमाल होंगी अभी अगले चैप्टर में। ये याद है दोनों क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। जी सर। उसके बाद एनर्जी, ये भी याद होना चाहिए, हाफ सीवी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिजल्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैपेसिटर जो होता है वो डीसी में ओपन होता है। यार ये एक काम करो ना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना, यानी एक काम करते हैं, देखें नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये आना तो सारी चीज चाहिए, पेपर में सब आएगा, मगर मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लिख दूं। जी सबसे पहले आप देखिए, लिखिए अपने पास कैपेसिटर्स। भाई सबके पास कॉपी पेंसिल और कैलकुलेटर होना चाहिए। कैपेसिटर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास बताएं। एक करंट की क्वेश्चन क्या होती है, दूसरी क्या हो सकती है, वोल्टेज की क्वेश्चन, किसी क्या हो सकती है, एनर्जी की क्वेश्चन, चौथी क्या हो सकती है, कैपेसिटर जो होगा वो ओपन सर्किट होगा, किसमें किसमें डीसी कैपेसिटर वोल्टेज नेवर चेंज एब्रप्टली, यानी अचानक चेंज नहीं होगा। क्या मतलब हुआ, कैपेसिटर वोल्टेज जीरो टाइम में मेंटेन रहेगा, ये पढ़ते थे हम लोग, जीरो टाइम में मेंटेन रहेगा, जीरो टाइम या किसी भी टाइम में मेंटेन रहेगा। जी ये समझ में आई बात यहां तक, पांच पॉइंट्स। जी सर। चलिए यही काम हमें इंडक्टर्स के लिए करना है, नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। अच्छा बाकी वो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन वो तो जाहिर है, वो भी इस्तेमाल तो हर चीज भी होती है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका वोल्टेज किसके बराबर होता है, एल डी आई ओवर नंबर टू लिखिए। करंट किसके बराबर होगा, ऑन एल
ठीक है जी, एनर्जी किसके बराबर होगी? रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग चेक कर लें। जी सर हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग देखिए करें। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपका इंडक्टर जो है वो क्या होता है बताएं? शॉर्ट सर्किट होता है सर डीसी में। बिल्कुल सही, शॉर्ट सर्किट होगा डीसी में। और पांचवा पॉइंट क्या है? इंडक्टर करंट जो होगा तो वो भी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज। भाई ये आप लिख के ना एक अलग पेज पर अपने साथ में इसको रख लें, ताकि जितने भी सवाल सॉल्व करें ये सामने नजर आ रहा हो। जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? जी सर। चलिए फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अब हम करने जा रहे हैं मिड टू से पहले का आखिरी काम, और वो क्या है? सोर्स फ्री सर्किट्स। ठीक है, सोर्स फ्री सर्किट्स। हेडिंग दीजिए सोर्स फ्री सर्किट्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स भी कहते हैं इन सबको, हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स भी कहते हैं। अच्छा जी, सोर्स फ्री सर्किट कुछ ऐसा होता है, जरा देखें यहाँ पर। ये आपको क्या दिख रहा है? एक रेसिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, जाहिर है दोनों का वोल्टेज V है और इन दोनों का करंट क्या है? IC और IR है। यहां तक बताएं, क्लियर है बात? सही है, कोई मसला? बताइए बच्चों, रिस्पॉन्स कर लो साथ साथ। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि देखें, हमारे पास इस सर्किट में क्या कोई सोर्स लगी हुई है? आप बताएं, इस सर्किट में कोई सोर्स है? नो सर। जी सर। तो अगर सोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये सोर्स फ्री हुआ, सही कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत। सोर्स फ्री हम इसलिए नहीं कह रहे कि इसमें सोर्स लगी हुई। देखिए, अगर इसमें सोर्स नहीं लगी हुई है तो ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो बस बंद पड़ा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई सर्किट हो जिसमें सोर्स लगी हुई हो, देखो लगी हुई हो, और वो सर्किट चल रहा हो, चलते चलते सर्किट से अचानक उस सोर्स को अगर मैं काट के अलग कर दूं तो वो सोर्स फ्री कहलाता है। मेरी बात समझ में आई आप? भाई जैसे आपके पास एक डिवाइस है, जैसे पंखा है, बंद पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये इसमें सोर्स लगी हुई है, हम कहेंगे नहीं सोर्स नहीं, तो वो सोर्स फ्री तो है मगर सोर्स फ्री सर्किट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पंखा चल रहा है, चलते चलते अचानक मैं उसको स्विच ऑफ कर दूं, तो अभी वो बंद नहीं हुआ, उसके पर हिल रहे होंगे, तो उसको हम सोर्स फ्री कहते हैं। यानी कि सोर्स फ्री सर्किट का मतलब है कि सोर्स के हट जाने के बाद जो थोड़ा सा इफेक्ट रह जाता है वो पढ़ने का नाम सोर्स फ्री सर्किट है। ये चीज क्लियर है? क्लियर मतलब हुई सबको? देखें यहाँ क्या लिखा है, अ सोर्स फ्री आरसी सर्किट अकर्स, यानी सोर्स फ्री कब अकर होगा? व्हेन इट्स डीसी सोर्स इज सडनली डिसकनेक्टेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डीसी, अच्छा डीसी की बात हो रही है, ऑल्टरनेटिंग की बात नहीं हो रही। अगर डीसी सोर्स को अचानक हम जो है वो उसे काट दें तो वो सोर्स फ्री कहलाएगा, क्योंकि जब डीसी सोर्स लगी होगी ना तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में और ये चल रहा होगा, मगर अचानक से सोर्स काट देंगे तो सोर्स तो कट जाएगी मगर कैपेसिटर की एनर्जी तो अचानक जीरो नहीं हो सकती, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, तो वो सोर्स फ्री सर्किट बनकर इसकी एनर्जी ये इस सर्किट को थोड़ी देर तक चलाती रहेगी, और जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं होती तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा एबनॉर्मल सा होगा, इसको पढ़ने का नाम सोर्स फ्री सर्किट है। यहां तक क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद हमने डेराइव किया था, तो डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि भाई देखें
यहाँ पर मुझे बताएं स्टोरेज एलिमेंट कौन सा लगा हुआ है, जल्दी से बताइए मुझे। कैपेसिटर। वेरी गुड, कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, उसका करंट या उसका वोल्टेज? तो उसका वोल्टेज। कैसे पता आपको? सर वो हमने पीछे पढ़ा था ना कि वो अपने वोल्टेज को मेंटेन रखता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखिए याद रखें एनर्जी का फॉर्मूला जिसके साथ हो वो इम्पोर्टेंट है। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, याद है आप लोगों को? कैपेसिटर में जो चीज इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वोल्टेज। तो इसकी क्वेश्चन वोल्टेज की बनती है, तो वोल्टेज की क्वेश्चन जो आएगी हमारे पास वो ये आएगी। ये क्या चीज हुई, ये क्या लिखा है मैंने बताया, बताइए। इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन मतलब जिस वक्त सोर्स कटी थी उस लम्हे की, उस लम्हे की वैल्यू। ये ड्राइव होकर आएगा। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V जीरो को V नॉट भी कह सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। और टॉक क्या होता है बताइए, टाइम कांस्टेंट। और इसकी क्वेश्चन होती है टॉ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट सी, यानी कि ये वोल्टेज की क्वेश्चन है कैपेसिटर की, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये टाइम एक्सिस है और ये आपका वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है, तो और ये जगह है जहां पर स्विचिंग हो रही है जीरो टाइम पर। स्विचिंग से पहले एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी क्योंकि वो चल रहा था, ठीक है ना, स्विचिंग से पहले, क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है डीसी में, आप जानते हैं। अभी आपने लिखा वो पेज सामने रखिएगा जो मैं लिखवाया है, कैपेसिटर ओपन सर्किट है, तो किसी वैल्यू पे आता है जिसको हम वी नॉट कहते हैं। यहाँ पर आके अचानक उसका स्विच यानी सोर्स कट गई, तो ये डिके होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये माइनस साइन है ना, तो डिके होगा, तो एक्सपोनेंशियली डिके होता चला जाएगा। तो ये तकरीबन यहाँ पर वन टॉ होता है और यहाँ पर जाके तकरीबन कितना, फाइव टॉ होता है। मैंने बताई थी बात आपको, वन टॉ पे कितना रह जाता है चार्ज, तकरीबन 36%, और डिस्चार्ज कितना हो चुका होगा, तकरीबन 63%, यानी 63 point something और 36 point something। जी भाई ये बात समझ गई आप सबको, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। हसीब आपने भी नहीं पढ़ा था ना लास्ट टाइम, पूछे समझ में आई बात? जी सर। इसमें भाई मेरे हसीब कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लें, देखिए शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया यार फिर फेल होने से बेहतर है, फिर विड्रॉ कराने से बेहतर है मेरे भाई, पूछ लो। ये चीज समझ में आई कि इसमें हम क्या करने क्या जा रहे हैं? प्रैक्टिस करेंगे सर, जहां अटके फिर आपको बता देंगे। अभी क्लियर है, अभी ठीक है, आगे चलो। सर ग्राफ थोड़ा बता दें। हाँ जमीन, देखो ग्राफ जो है वो ये है ना, ये वाले, तो ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके होगा माइनस टी बाय टॉ, माइनस साइन का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल डिके होगा, तो ये डिके कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब ये टाइम जो है टॉ के बराबर होगा तो ये माइनस वन आएगा। एक्सपोनेंशियल को माइनस वन करो, खुद ब खुद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36.366 करके कुछ वैल्यू आएगी, चेक कर ले आप। एक्सपोनेंट की वैल्यू को माइनस वन रख के देख लें आप लोग क्या वैल्यू आ रही है। जी क्या आ रही है बताएं, जब टू टॉप पे पहुंचेगा तो कितना रह जाएगा, थ्री टॉप पे, फोर टॉप पे, फाइव टॉप ही करके देख लें। अगर मैं यहाँ फाइव टॉप रखता हूँ तो टॉप से टॉप हटेगा, एक्सपोनेंट की माइनस फाइव वैल्यू तकरीबन 0.01% कुछ होगी। देखो जरा ई माइनस फाइव कितना आ रहा है, सर 6 exponential -3 में आ रहा है, तो .001 हुआ ना। जी सर। ओके तो बस यही मैंने कहा कि 99% 5 टॉप तक जाके हो जाएगा, ठीक है जमील आगे चलूं। जी सर। ओके नेक्स्ट स्लाइड में ये इसकी डेरिवेशन है, ये इसकी जरूरत नहीं है,
और ये ग्राफ आ गया, ये टॉ आ गया, तमाम बातें आ गई, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखें वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़े जरा क्या कह रहा है कि इन दिस फिगर इनिशियल दिया हुआ है, बी सी निकाले, वी एक्स निकाले, आई एक्स निकाले, तो मुझे बता हमने किसकी क्वेश्चन पढ़ी है इनमें से, बी सी वी एक्स आई एक्स में से किसकी क्वेश्चन पढ़ी है, बी सी पढ़ी है ना सिर्फ। तो हमें हमेशा याद रखे जब भी कैपेसिटर दिखेगा ना, आप याद रखिएगा ये बहुत बड़ी गलतियां की आप सबने पेपर में, कि जब भी कैपेसिटर होगा तो काम सिर्फ बीसी पर होगा और किसी भी काम नहीं होगा, चाहे आपको बीसी मालूम करना हो या ना करना हो, मेरी बात यार लिख लो, अगर नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगा मेरे भाई, फिर आप फेल हो जाओगे। बीसी पर हमेशा काम करना है, चाहे आपको बीसी दिया हो या ना दिया हो, आपने काम सिर्फ बीसी पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बीसी की है मेरे पास, तो मैं बीसी की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्या है बी सी जीरो, तो वो 15 है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, ई माइनस टी बाई टॉ, तो टॉ तो दिया हुआ नहीं, ये देखें जरा ये क्वेश्चन हुई ना, बताएं जल्दी से, जल्दी बोलो यार, यार एक काम करो। यस सर। एक बंदा ना माइक खोल के रखे, साउथ आप माइक जरा खुला ही रखे, आपके घर शोर नहीं हो रहा ना, ठीक है साउथ जी सर, और आप मुझे रिस्पॉन्स करते रहे, बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो माइक खोल के फौरन रिस्पॉन्स करें, मुझे बताओ भाई ये क्वेश्चन यही बनेगी ना, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, सही है? सही है सर। अच्छा बताओ इसमें वेरिएबल कितने रह गए साउथ सॉल्व करने के लिए, मतलब रह क्या गया मेरे पास? सर टाउ, सिर्फ टाउ रह गया, क्योंकि टी तो वेरिएबल है नहीं, वो तो टाइम है ना, टाउ रह गया। यस सर। यानी टी वैसा वेरिएबल है कि जो टाइम चलता रहेगा, तो टाउ होता है हमारा आर इक्विवेलेंट सी, तो सी की वैल्यू तो है हमारे पास 0.1, ये तो दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट निकालना है सिर्फ, है ना जी सर। कहाँ निकालना है, सवाल ये होता है कहाँ निकालना है, तो ये निकालना होगा कैपेसिटर पे, तो आप कहेंगे कि सर्किट को रीड्रॉ करो लाइक दिस, और जहाँ कैपेसिटर है उसको कर दो थेवेनिन थ्योरम की तरह ओपन सर्किट, यानी लोड जैसे काट के अलग करते हैं, ठीक है मेरे भाई? सही है। यहाँ निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि ये 8 और 12, तो 8 और 12 तो सीरीज में हो गए, इनको एक कर दो, 8 12 कितना होता है 20, और 20 और 5 पैरेलल में हो गए, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम, 4 × 0.1 कितना होगा 0.4 सेकंड, सब्स्टिट्यूट करिए वहां पे, क्या आ रहा है आपका 15 e माइनस 0.4 को इन्वर्स करें जरा, ये क्या 2.5 आ रहा है, पॉइंट फोर को इन्वर्स करें जी सर, आ रहा है, तो ये पहला आंसर आपका आ गया, ठीक है बच्चों यहाँ तक बात क्लियर? बच्चों बताओ। जी सर। अब देखो आपको आपको दूसरा वी एक्स निकालना है, अब वी सी वोल्टेज यहाँ का दिया हुआ है, ये वी सी निकाल लिया आपने, तो ये वी सी कहाँ ड्रॉप हो रहा है 8 पर भी हो रहा है 12 पे भी, और आपको सिर्फ 12 का निकालना है, तो वोल्टेज डिवाइडर लगा सकता हूँ ना, सीरीज सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर, तो बी एक्स किसके बराबर होगा 12 अपॉन बताओ 20 × बी सी, बी सी कितना है लिख लेता हूँ, बी सी क्या, बी सी है 15 e माइनस 2.5 t, ये माइनस 2.5 t तो साथ चलेगा, ये बस है 15 20, 15 20 कितना होता है, ये करें जरा क्या ये 9 आ रहा है, चेक करें, हाँ आ रहा है ना, ये 5 × 15 5 × 20 और 4 × 15 तो 3 × 3 9 ये आ गया, बोलो भाई। और आखिर में आपने ओम सो लगा के आई एक्स निकाल सकते हैं, वो तो ये आई एक्स निकालने के लिए ओम सो तो इधर लगेगा, तो 12 से डिवाइड कर दें इसको, ये आ जाएगा, चेक कर ले, ठीक है? यस सर। मैं आगे चल रहा हूँ इसमें, तो आई थिंक कोई सवाल नहीं होगा मेरे ख्याल से, आसान है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स योर होमवर्क, नोट कर लें इसको, पिक्चर ले लीजिए होमवर्क, कल पूछूंगा मैं आपसे, होमवर्क ले लिया? मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ, लाइट का भी इशू है, कहीं लाइट ना चले, ओके नेक्स्ट। अच्छा जी हाँ, ये एक जैसा सवाल है तो इसको सेव कर लेते हैं, पढ़ें क्या कह रहा है साउथ। The switch in the circuit in figure 7.8 has been closed for a long time and it is open at t is equal to 0. Find Vt for t is greater than or is equal to 0. Calculate the initial stored energy in the capacitor. देखो वो कह रहे हैं ये बहुत अरसे से बंद था,
तो जब बहुत अरसे से बंद था तो वो स्टडी स्टेट हालत में था, स्टडी स्टेट हालत में यानी डीसी में चल रहा था, तो डीसी में कैपेसिटर क्या होता है, ओपन होता है, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो अचानक जीरो पे खुल गया, तो ये वही ग्राफ है जो हमने पहले ग्राफ बनाया था, जिसको जमील पूछा था कि जीरो से पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी क्योंकि वो कांस्टेंट आ रहा था, अचानक जीरो पे स्विच खुल गया। जब ये स्विच खुल जाएगा तो मुझे आप बताएं इस कैपेसिटर से इस सोर्स का कोई ताल्लुक रहेगा? नो सर। तो ये पूरी चीज सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगी, उस पर आप वो कह रहे हो कि आप वीसीटी निकाल लो। तो इस सवाल में फर्क क्या है? इस सवाल में फर्क सिर्फ ये कि इसमें आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है और वीसीटी निकालना है, और इस सवाल में आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई और आपको कह रहे हैं वो खुद फाइंड आउट करें, बस इतना सा फर्क है। आइए जरा फाइंड आउट करते हैं। इस तरह के सवालों का एक ही स्ट्रक्चर होता है कि आप सबसे पहले कहें कि स्विचिंग कब हो रही है, आप कहेंगे टी इक्वल टू जीरो पे हो रही है, तो आप कहेंगे ओके, तो टी स्विचिंग से पहले का टाइम ले रहे हैं, ठीक है भाई? बोलो सही है? सही है सर। तो सर्किट कैसा होगा बताएं स्विचिंग से पहले? आप कहेंगे सर ये 20 वोल्ट की सप्लाई है, ये 3 ओम है, स्विच बंद है, ये 9 है, ये 1 है, और ये कैपेसिटर ओपन है जो कि डीसी में ओपन होता है, और वो डीसी था स्टडी स्टेट। बताएं सही कह रहा हूं? अब सवाल ये कि ये वीसी कितना है, तो मुझे एक बात बताएं कि यहां से जो करंट निकलेगा वो आगे जाएगा या सारा यहीं घूम जाएगा? सर सारा यहीं घूमेगा क्योंकि वो ओपन सर्किट है ना। तो इसका मतलब यहां ड्रॉप कितना होगा सर? जीरो। इसका मतलब वीसी वोल्टेज जो यहाँ पर है वो बेसिकली 9 ओम के क्रॉस है, क्या ख्याल आपका? जी सर। सही कह रहा हूँ भाई? सही कह रहा हूँ? यस सर। तो वीसी आपको निकालना है तो आप निकाल लें, जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब है स्विचिंग से पहले, तो वो इधर वोल्टेज डिवाइडर लगा सकता हूँ मैं, कितना आएगा 9/12 × 20, बताए कितना होगा? फोर थ्री जा 12, फोर फाइव जा 20, थ्री थ्री जा 9, 15 वोल्ट हुआ ना? यस सर 15। देखो ये इनिशियल 15 आ भी दिया आंसर में, ये इनिशियल आ गई। अब ये सर्किट खुल जाएगा तो बचेगा क्या, यानी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सर्किट क्या बनेगा बताएं? ये बनेगा, क्या ख्याल है आपका बताएं? और कैपेसिटर अब आ जाएगा, ओपन सर्किट नहीं होगा क्योंकि अब डीसी नहीं है, स्टेडी स्टेट डीसी नहीं है, ट्रांजिएंट है, ठीक है? ट्रांजिएंट। तो इसमें इक्वेशन लगाए वीसीटी की, तो पहले आएगा 15 ई माइनस टी बाय टॉ, टॉ निकालना है, टॉ क्या होता है आरसी, आर इक्विवेलेंट इसका, यहां से अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो इसको ओपन करूंगा तो ये सिंपल सीरीज दिख रहा है, तो 10 ओम है, तो 10 × 20 मिली कितना हुआ? आई थिंक 0.2 सेकंड हो रहा है, चेक करें, और वीसी में 0.2 रखूंगा और 0.2 का इनवर्स करूंगा, 0.2 का इनवर्स करूंगा 5 आएगा, बताइए टॉ को आर इक्विवेलेंट सी कहते हैं ना, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 10 ओम और सी के लिए हो गई 20 मिली, तो कितना आया 0.2 सेकंड, बताओ भाई ये आ रहा है 5 टी या नहीं आ रहा, चेक करें आप लोग। यस सर आ रहा है सर, 0.2 का इनवर्स सही होता है 5, हाँ पाई होता है ना? जी सर। ये आपका आंसर आ गया। दूसरी चीज क्या था, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी का मतलब ये कि जब स्विचिंग नहीं हुई थी, यानी टी इक्वल टू जीरो पे कह लें बेशक, स्विचिंग के वक्त या स्विचिंग से पहले एनर्जी कितनी थी, तो कैपेसिटर वोल्टेज है उस वक्त 15 फिक्स्ड आ रहा था, एनर्जी निकालनी तो वो आपको पता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो सी कितना है 20 मिली और वी कितना है 15, तो इसका ये सॉल्व करें जरा, क्या ये 2.25 आ रहा है हाफ सी वी स्क्वायर, जल्दी से करिए। दो मिनट रह गए हैं मीटिंग खत्म होने में, जैसी खत्म होगी मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोग जल्दी से आ जाइएगा। सही आ रहा है।
22.5 जूल। इसको नोट कर लीजिए और कोई सवाल है तो पूछ लें। जी एनी क्वेश्चन जल्दी से बताइए, आगे चलो या सही है, यानी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? बच्चों जल्दी बताओ। साउद आपने माइक क्यों बंद कर लिया? सर वो सही है सर, मेरा तो क्लियर है। बाकी गुलाम मुर्तजा, अवैस, अथर, हसन बताएं, फरहीन, यमना भाई कोई मसला, हसीब यार ऐसा तो नहीं सब लोग लॉग इन करके बस चले गए हों? सर मौसम एंजॉय करने। सही है सर। चलिए आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, ये क्या होमवर्क दे दूं? पढ़ने क्वेश्चन और देख ले, वही चीज है जो अभी पढ़ा। जी सर होमवर्क दे दो। जी सर होमवर्क दे। भाई ये आपने आज में लाजमी करके कल चेक कराना है मुझे, ठीक है? जी सर। नेक्स्ट सोर्स फ्री आरएल सर्किट्स। अच्छा चलें ठीक है, ये एक मिनट से कम रह गया है, मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाएं।